सतपारा की तलाश जारी। C-130 जहाज से केटू की इंतहाई बुलंदी पर सर्च ऑपरेशन का फैसला। मोहम्मद अली सतपारा और टीम की तलाश के लिए C-130 जहाज से केटू की इंतहाई बुलंदी पर सर्च ऑपरेशन का फैसला किया गया। जदीद तरीन कैमरे से डेथ जोन की अक्सबंदी की जाएगी। मोहम्मद अली सतपारा और टीम की तलाश के लिए केटू पर फिजाई सर्च ऑपरेशन का चौथा रोज है। जराए का कहना है कि केटू समेत मलेका पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। मौसम की खराबी के बाइस फिजाई सर्चिंग मुमकिन नहीं। केटू पर हवा का दबाव भी हद से ज्यादा है। लापता कोह पेमाओं की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर मिशन ताखीर का शिकार है। जमीनी सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन टीम बेस कैंप में मौजूद है। मौसम बेहतर होते ही जमीनी सर्चिंग फिर शुरू होगी। दोपहर के वक्त मौसम में मुख्तसर वक्त के लिए बेहतरीन मौका है। मौसम बेहतर होते ही फिजाई ऑपरेशन पर गौर किया जाएगा। C-130 जहाज से केटू की इंतहाई बुलंदी पर सर्च ऑपरेशन का फैसला है। जहाज में नज जदीद तरीन कैमरे से डेथ जोन की अक्सबंदी भी की जाएगी। महकमा सयाहत के मुताबिक पाक फौज एविएशन रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर किरदार अदा कर रही है, जबकि आर्मी हेलीकॉप्टर्स और जमीनी रास्ते से सर्चिंग जारी है। दूसरी जानिब साजिद अली सतपारा ने गुफ्तगू में कहा है कि मोहम्मद अली सतपारा के लिए जारी सर्च ऑपरेशन से मुतमईन है। चार दिन से मोहम्मद अली सतपारा लापता है। पाक आर्मी जो दूसरे हमारा SPR और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है हमारी GB की और पाकिस्तान लेवल की जो गवर्नमेंट है उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर स्टेप पर ताउन किया और दो दिन से वो आर्मी के हली रेस्क्यू मिशन में आते रहे और उन्होंने 7000 समथिंग और 8000 के करीब फ्लाइट की और बहुत ताउन किया। 8200 मीटर पर हम सब अली सतपारा के साथ थे। खदशा है कि अली सतपारा को उतरते हुए कोई हादसा पेश आया। मोहम्मद अली सतपारा के बेटे का कहना है कि जब हम वहां से निकले तो दर्जा हरारत -62°C था। मोहम्मद अली सतपारा इस वक्त बोटल नेक से केटू सर करने जा रहे थे। उम्मीद है कि उन्होंने केटू सर कर ली होगी। हादसा अमूमन चोटी से उतरते हुए होता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। छोड़ दुनिया आजा मेरे वास्ते, हमको घायल कर गया तेरा सितम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम्हारी राह देखेंगे सनम।